इनके कारनामे ऐसे हैं जिनसे भारत का अहित चाहने वालों को ऑक्सीजन मिलती है। अभी 2 महीना पहले जब भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया, जब वहां के दलितों को, वहां की बेटियों को, वहां की महिलाओं को देश के अन्य राज्यों की तरह अधिकार दिए, तब एक बार फिर इनका स्वार्थ जग गया। आपको याद है इन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए थे? आज भीड़ की धरती से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान को याद कराना चाहता। साथियों, इतिहास में जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए गए निर्णय का विरोध करने वाले लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का, उनके बयानों का जिक्र इतिहास में जरूर होने वाला है। मैं याद दिलाता हूं ये कैसा कैसा बोले थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको याद आ जाएगा, पूरे महाराष्ट्र को याद आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को याद आ जाएगा। एक ने कहा था ये फैसला, यानी 370 हटाने का फैसला, ये किसी की हत्या करने जैसा है। वाह क्या सीन है। एक नेता ने कहा ये भारत की राजनीति का काला दिन है। एक नेता ने कहा केंद्र ने जो फैसला लिया वो लोकतंत्र के खिलाफ है। एक बार बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया। एक और नेता ने कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। भाइयों बहनों, ये हमारे विरोधियों की भाषा है। 370 का विरोध हमारी पार्टी का जन्म हुआ उस दिन से हम करते आए। हम राजनीति के लिए नहीं करते, हम देश नीति के लिए करते। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आप जवाब देंगे फिर से? ये लोकता कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया, मैं आपको पूछता हूं क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या ऐसे बयान देकर ये लोग आपके विश्वास को धोखा नहीं दे रहे थे क्या? अपने अपने स्वार्थ में इन लोगों ने भारत के खिलाफ काम करने वालों को जमकर के मौके दिए, भारत पर निशाना साधने के नए नए तरीके सुझाए। मैं आपको कुछ और बयानों की याद दिलाता हूं। पूरी लंबी हिस्ट्री है, हर गली मोहल्ले वाला अनाप शनाप बोलता रहा। कांग्रेस के नेता ने बयान दिया था कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करती। देश की एकता और अखंडता में तुमको हिंदू मुसलमान नजर आता है क्या? शोभा देता है आप लोगों को? कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। आप सहमत है इस बात से? सहमत है? ऐसा बोलने वालों को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में ऐसे लोगों को चूम चूम करके सजा दोगे कि नहीं दोगे? पक्का दोगे? कांग्रेस के ही एक और दिग्गज नेता ने कहा कि ये देश को बर्बाद करने वाला फैसला है।
तीन महीने होने आए, देश बर्बाद हो गया क्या? बर्बाद हो गया क्या क्या? कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया। खो दिया है क्या भाई? खो दिया है क्या? अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं व्यवस्था करता हूं। क्या बयानबाजी कर, देश आजाद होने के बाद जिन लोगों ने सर्वाधिक समय देश पर राज किया वो ऐसी बातें बोलते, शोभा देता है क्या उनको? भाइयों और बहनों, मेरे पास कांग्रेस और उसके जैसे दलों के तमाम नेताओं के ऐसे बयानों की पूरी लिस्ट पड़ी है। देश की भावनाओं के खिलाफ इन लोगों ने जिस तरह के बयान दिए और उसे गिनाते गिनाते शायद मुझे 21 अक्टूबर तक यही रहना करके बोलना पड़ेगा। साथियों, इन लोगों के बयानों, इनकी साजिशों को देश ने अब भली भांति देख लिया। देश इन्हें इनके किए की सजा लेगा, लेकिन आज महाराष्ट्र के पास सबसे पहले अवसर आया है।